टू माई न्यू ब्लॉग गाइस, आज है संडे और आज हम जा रहे हैं घूमने। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं छह ही बज रहे हैं ना। हाँ गाइस सुबह के बज रहे हैं छह और पूरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला। हमारे साथ है दो और लोग, तो गाइस आप आखिरी तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। उधर का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो वही देखें गाइस। अभी तो लेट हो गया, अभी फिलहाल हम पैदल पैदल चक्कर लगा रहे हैं। अभी उन्होंने बुलाया, बोले आ जाओ हमारे घर, तो फिर कार निकाल के चल देंगे। तो गाइस चल रहे हैं। गाइस अभी हम चक्कर लगाते लगाते पार्क में आ गए हैं, तो इधर एक भैया से हम इंटरव्यू लेंगे कि वो कैसे, क्या, कितने दिन, कितने सालों से। तो बोल तो अंकल जी, सबसे पहले आपका नाम क्या? बैठ जाइए। नहीं नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, हम भी तो बैठेंगे, थक गए खड़े खड़े। तू इधर खड़े रह, आओ आ जाओ, हो गई, बैठिए। अरे बैठिए ना। तो अंकल जी सबसे पहले आपका नाम बताइए हमारी ऑडियंस को। हमारा नाम राम सिंह ठाकुर। थोड़ा तेज बोलिए। राम सिंह ठाकुर। कई अंकल का नाम है राम सिंह ठाकुर। कितने सालों से मतलब ये ड्यूटी निभा रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और पार्क को कितने साल हो गए? पार्क को हाँ 12-15 साल हो गए। गाइस हाँ गाइस, पार्क को भी 12-15 साल हो गए हैं। अंकल जी भी 5 साल से ड्यूटी निभा रहे हैं। आपका मतलब डेली रूटीन क्या रहता है? सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हो? हम तो 4:30 बजे उठते हैं। गाइस 4:30 बजे और सोते कितने बजे हो? रात में। हाँ रात में सोते 12-1 बजे करीब। क्या बात है गाइस, 12-1 बजे मतलब 4 घंटे, 4.5 घंटे की नींद हो जाती है पूरी? अरे हो जाती है, उठना पड़ता है। और दिन में सोते कि नहीं? दिन में कहाँ, क्यों, घर जाते हैं, थोड़ा हाँ, बहुत तो आराम करते हैं, थोड़ा बहुत तो रहता है गाइस। और बताओ फिर लोग इधर पे कैसे लोग आते हैं? इधर पे सब अच्छे लोग आते हैं। सब अच्छे लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं लड़का लड़की भी, कुछ टाइप के लोग। ऐसा माहौल मतलब क्रिएट करना चाहिए कि नहीं? इस जड टाइप के भी आते हैं तो उनको टेकल करना पड़ता है। अच्छा, तो कोई बदमाश भी आते होंगे, कैसे व्यवहार करते हो आप? क्या फालतू इधर वो नहीं करने देते। अच्छा गाइस मतलब अंकल जी की मतलब सोच अच्छी है, फालतू चीजें कोई नहीं, मतलब आप आइए, चक्कर लगाइए, एंजॉय करिए, बाकी हाँ घूमिए, बाकी ये सब हरकत कृपया कर पब्लिक प्लेस पे तो नहीं करें भाई। इसके लिए प्राइवेट कर सकते हैं, उसकी अपन अगले उस पे विषय में बात करेंगे। और बताइए और क्या, सब ओके, काम है बढ़िया है सर। जिंदगी की आपकी इतनी उम्र है, तो जिंदगी की ऐसी कोई सी सलाह दीजिए हमारी ऑडियंस को जिससे उनका थोड़ा भविष्य सुधर सके हमारे लिए। हाँ सुबह जल्दी उठो, घुमा फिरी करो अपना, ठंडी हवा लो। थोड़ा जोर से बोलिए। सुबह उठ के जल्दी से अपना घूमना फिरना चालू करो। क्या बात है, हैं? तो इससे आओ हवा अपने को अच्छी मिलती है। सही बात है। हाँ गाइस मतलब मैं तो ये देना चाहता हूँ, जैसे इंसान 12 बजे सोता है, आप सोते हो 12 बजे, उठ जाते हो आप 4 बजे, 4 के बाद आप मतलब 5, 6, 7 10 बजे तक मतलब आपने ये कम से कम 6 घंटे की ड्यूटी इधर पे दे दी, तो आपका ये समय उपयोग में ही हुआ। उपयोग है। अब हम सोते हैं 12 बजे, हम कितने बजे उठ रहे हैं? 10 बजे, तो हमारे ये घंटे क्या है, वेस्टेज जाता है हमारा, जो सुबह की हवा वो नहीं मिल पाती। तो गाइस अभी 10 मिनट और बीत चुके हैं, हमने पार्क में गए थे, अंकल जी से भी इंटरव्यू लिया हमने। तो गाइस अभी 10-20 मिनट बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आए। अब गाइस ठीक है, अब गाइस वापस जा रहे हैं हम एक और हर्ष भैया के घर, वो तो साहेब भैया आ रहे हैं। ये गाइस भाई हो रहा है थोड़ा, हर कोई से गाने आने बजा रहा है। ठीक है अब गाइस ये देखो हमारे सामने से हर्ष भैया आ रहे हैं, वो ब्लैक टी शर्ट पे आपको दिख रहे होंगे। अब हम दोनों सोच रहे हैं उनके साथ एक मस्ती मजाक करने को, हम दौड़ के जाएंगे उनको डरा देंगे। चले चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। अरे गाइस फुल फन हुआ, थक गए। अरे भैया सुनो तो,
भैया हम इतनी देर से खड़े हैं, क्या है रे मारो, तुम जैसे बच जाओगे दोनों मेरे हाथ को। हम तो मारेंगे आज। गाइस मस्ती मजाक में भैया भी आ गए, देखो चलो अब गाइस बहुत आ गए कपड़ा चेंज करने। अब तो दोस्तों तो दोस्तों अभी उनको ज्यादा गीला हो गए थे मजाक मस्ती में, तो अभी लेके जा रहे हैं, थोड़ा बुरा भी मान गए हैं। ठीक है दोस्ती आ रही में तो होती रहती है। और भाई मेरे को ज्यादा कुछ ज्यादा मतलब हो गई है। अच्छा ज्यादा ही बुरा मतलब आज तो मतलब जरा तो आएंगे नहीं आएंगे वापस? पाल का ही ख्याल रहेगा भैया। सो गाइस अभी वापस से जा रहे हैं, ये लोग इतना बुरा मान गए थे फिर पता नहीं ये दोनों वापस चले गए। हम गाइस मैं घर जाके सो भी गया था, मिर्जापुर का मिर्जापुर देख रहा था, तो पांचवा एपिसोड पे मैं मतलब एक घंटा हो गया है लगभग, अब जाके ये लोग आए बोले चल चल चल, देखते हैं गाइस। ये देखो फिर से खड़े हैं सामने, अब देखते क्या बोलते हैं। गाइस चंदन ने तो मना कर दिया इनको जाने से, क्योंकि बहुत भला बुला भी बोला था इन्होंने। अब देखो वही गेट नहीं खोल रहे, मजाक मस्ती कर रहे, पीछे बैठ। अरे गांधी ने फ्रेंड्स में फिर से तो पूछो उत्ती बात की। भाई जब तक से ये लोग माने हम दोनों डोसा खाने के लिए रुके हैं। भैया साहब भैया के लिए ऐसी इडली लगाओ बढ़िया मजा आ जाए, सुबह से बेचारे इधर परेशान है। चलो धप्पी बैठते कुर्सी में, इधर ही बैठ के आ जाओ। ये साहब भैया क्या खा रहे हो? मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा बोलते, मेंदू वड़ा बोलते ना भैया, मेंदू वड़ा है भैया। एक प्लेन कर देना एक मसाला कर देना। गाइस ये बढ़िया हम डोसा खा रहे हैं। गाइस क्या है बहुत बढ़िया है, अच्छा टेस्ट है। थोड़ा पेट कम करो बापू भैया, पहले पहले पूछ रहा क्या है उसके बाद बोल रहा है। इसमें ऑरेंज की चटनी है। अच्छा पहली बार देख रहा डोसा इसके पेट से है। ये ऑरेंज की चटनी है? हाँ मतलब कुछ टमाटर की है, सॉरी ऑरेंज कलर की है, सॉरी गाइस ऑरेंज कलर की है, टमाटर की है, बढ़िया है गाइस। बस इटारसी में वही वही चीजें हैं तो वही वही दिखाते हैं। अच्छा डोसा बड़ा कैसे ये तो बताइए यार, लपेटा है। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं सभी का झगड़ा आगड़ा खत्म करके। तो अपन जा कहाँ रहे वैसे? हमको कुछ नहीं मालूम, हम जा रहे होशंगाबाद पार्सल लेने। गाइस ये पार्सल लगा था इनका, तो ये भी इसका पता नहीं कहाँ निकलने वाले हैं, बस पार्सल तो पहले दे दे। गाइस हम सोच रहे थे मिडगार्ड जा रहे हैं, पता नहीं कहीं और है, अब ये सरप्राइज है बोले चलते हैं सरप्राइज। गाइस आपको वहीं पहुंच कर आएंगे बताने, पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। तो गाइस बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है, देखते रहिए आप। आगे तक हो चुका है। सो गाइस व्यू चेक करो गाइस, आप गाइस प्यारा लग रहा है। अभी इस समय रुके हैं हम ब्रिज पे गाइस, इस समय नर्मदा घाट है और पीछे बादल देखो गाइस क्या व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं और गाइस आप देखते रहना, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। इधर सब लोग फोटो शूट खिंचा रहे हैं। गाइस देखो मैप देखते देखते तो कौन से गांव में आ गए हम। अब गाइस थोड़ा टर्न लेके जरा वापस जा रहे हैं, रेता आ गई थी इसमें आ गई थी। अब गाइस देखो जरा कौन से गाँव में मोड़ है। ये वाली कार खड़ी है और ये व्यू देखो पहाड़ का, ये भैया खड़े हैं। चाबी नीचे रखो, नीचे तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी पे लगा दी है गाइस। अब हम पैदल जा रहे हैं गाइस, उधर थोड़े आए हैं लोग टूरिस्ट मतलब 10-15 लोग हैं, तो हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। गाइस हम पहली बार आए हैं, हम दिगंबर वाटरफॉल आए हैं, पर ये कोई सी जगह नाम क्या है वाटरफॉल का? अमरगढ़ वाटरफॉल। अमरगढ़ वाटरफॉल में आए गाइस, ये जगह पूरी खरीद ली अभी, जगह आ रहे हैं। नहीं सही है, चल 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 अभी फोटो मनाने को फोन करता हूं।
उनको व्लॉग बनाया ना, तो उनको बताना हमने उनका पीछा किया तभी अभी रात को वाटरफॉल देखने आए थे। वो 12 करोड़ चप्पल में चप्पल पहन के वो करा तो भाई। हाँ भाई, 12 करोड़ की गाड़ी वो चप्पल से खरीद सकता है, चप्पल पहन के जाके मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो भाई भैया मिले हमको, ये भैया दोनों को ले यार, लिफ्ट लेके जा ले लिया। हेलो कर दो एक बार। एक झरना मिला हमको, फुल मजा आ रहा है, फुल एडवेंचर हो रहा है। और सारा बाइक से कैसे आएंगे ये लोग यहाँ पे? सब कर लेंगे। रुजा भी रुजा, अपन नई स्टेप बनाएंगे अपनी। क्यों? अरे वो एक कुक राजा जी, फाइनली वॉटरफॉल में आ चुके हैं। पीछे देखो ये चल नीचे चल। गाइस फाइनली हम हमारे घर वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे नूडल। पीछे हमारे हैं वाटरफॉल, ब्यूटीफुल गाइस, बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है इधर का, बहुत बढ़िया आके लग रहा है इधर पे, मजा आ रहा भाई। सो गाइस अभी सीधा हम घर आ चुके हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास मतलब चार्जिंग भी खत्म हो गई थी तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। उसके बाद गाइस हमने बहुत एंजॉय करा, नहाया और गाइस बस वापस आ गए। पर बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया व्यू था बारिश का समय। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।